नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश अंकों का किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस शो में हम आपको अंक शास्त्र के जरिए ये बताएंगे कि आने वाला साल कैसा रहने वाला है। आज बात होगी मूलांक विशेष की और जानेंगे कि 1 से लेकर 9 तक का मूलांक वालों के लिए साल 2020 कैसा रहेगा। तो आइए जानते हैं अंक शास्त्र की जुबानी भविष्य की कहानी। साल 2020 के इसी ज्योतिषीय समीकरणों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोक जी, जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं। तो आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। नमस्कार। अब चर्चा कर लेते हैं नव वर्ष में मूलांक के महत्व के बारे में। देखिए, 2020 का जो टोटल बनता है वो 4 बनता है, लेकिन अगर लास्ट की 2 डिजिट को लेते हैं तो उसमें जो है उसका टोटल 2 बनता है। सुदर्शन चक्र ज्योतिषानुसार न्यूमरोलॉजिकली इसमें जो है सुदर्शन चक्र ज्योतिष डायमंड चार्ट बनता है, जिसके अनुसार 2020 का जो भविष्य है अति उत्तम है। इसमें जो है व्यापारी वर्ग, सर्विस क्लास, नेता वर्ग, अभिनेता वर्ग एवं स्टूडेंट्स छात्र वर्गों के लिए ये वाला साल जो है बहुत ही अच्छा और क्रांतिकारी साबित होगा, क्योंकि बिल्कुल गवर्नमेंट 2020 में जी आपका बिजनेस क्लास और सर्विस क्लास इवन आपका स्टूडेंट्स पे बहुत फोकस करेगी, और जितने भी कार्य होंगे एस्ट्रोलॉजिकली उसमें ये चारों वर्ग, चाहे वो बिजनेस क्लास है, चाहे वो आपका स्टूडेंट हैं, चाहे वो सर्विस क्लास हैं, सर्विस क्लास में जिनको सर्विस नहीं मिल रही है या जिनको सर्विस की तलाश है, बिजनेस क्लास जिनके बिजनेस जो हैं कमज़ोर पड़ चुके हैं, क्योंकि इस वर्ष मुंथा एकादश भाव में रहेगी और मुंथेश जो है वो द्वादश भाव में रहेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी स्कीम्स आएंगी जिसमें इन पांचों वर्गों का को बहुत लाभ होगा। मूलांक 1 वाले लोगों के लिए साल 2020 क्या खास लेकर आया है, इनके लिए कैसा रहने वाला है साल 2020 और इनके लिए कोई खास उपाय भी बताइए। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको अपना मूलांक किस तरीके से निकालना है। मूलांक के लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ की जो पहली 2 डिजिट हैं डेट्स की, अगर आपका जन्म 11 बजे से पहले का है तो उसके टोटल में से 1 माइनस करना है। अगर 11 बजे के बाद का दिन के तो आपका मूलांक वही होगा। जैसे आपका जन्म 30 जुलाई 1957 का है तो पहली 2 डिजिट हैं 30। अगर आपका जन्म समय 11:05 का है तो आपका मूलांक 3 हुआ। अगर 9 बजे सुबह का है तो आपका मूलांक जो है 30 में से 1 माइनस करेंगे 29, 2 और 9 11, आपका मूलांक 2 होगा। इस तरीके से आपको अपना मूलांक की गणना करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा मूलांक 1 वालों के लिए 2020 यानी कि ईयर एंडिंग 2020 जो 1/1/2020 से लेके 1/1/2021 तक रहेगा कैसा रहेगा। मूलांक 1 वालों को एन इनिशियल के लोगों से संचेत रहना है। आपके जो भी मित्र संबंधी एन इनिशियल्स हैं या आपके गुप्त शत्रु एन इनिशियल्स हैं, आप उनसे संचेत रहिएगा, क्योंकि वो आपको किसी भी तरीके का धोखा देंगे, आपको सब्ज बाग दिखाकर नुकसान दे सकते हैं। बिजनेस क्लास मूलांक 1 वालों को के लिए 2020 अति उत्तम रहेगा। आपको SKP इनिशियल के लोगों से विशेष लाभ प्राप्त होगा।
सर्विस क्लास जो लोग हैं, सर्विस क्लास के मूलांक एक के जो लोग हैं उनके लिए 2020 जो है एहतियात कारक है, उनको एन जे जी इनिशियल के सुपीरियर से उनके जो बॉसेस हैं जिनका नाम एन जे या जी से है उनसे संचेत रहना है, उनसे अपना हार्ट पूरा शेयर नहीं करना है, उनके पास सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही शेयर करें, नेगेटिव नहीं करें। अपनी नेगेटिविटी बताएंगे तो आपको नुकसान होगा, आपकी नौकरी में बाधा आ सकती है, आपके प्रमोशन में बाधा आ सकती है। जो मूलांक एक वाले नेता हैं उनके लिए 2020 अति उत्तम रहेगा। वी एन और एच इनिशियल के विपक्षी नेताओं से आपको सावधान रहना है। अगर आप पक्ष में हैं तो वी एन और एच के विपक्षी नेताओं से सावधान रहना, अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको वी एन और एच नाम के पक्ष के नेताओं से सावधान रहना है। 2020 हर लिहाज में अति उत्तम रहेगा। इसके लिए मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि 2020 का जो नंबर बनता है वो 2 बनता है और उसका स्वामी जो है वो आपका चंद्रमा नेगेटिव है, और वैसे जो राशि बनती है 2 अंक की जिसको हम लेते हैं तो उसका मालिक शुक्र है। 2020 में जो 2020 का हमारा सुदर्शन चक्र ज्योतिष अनुसार वर्षफल बनता है उसमें 2020 का जो मुंथा है वो एकादश भाव में होगी और मुंथेश द्वादश भाव में होगा, इसका मतलब प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, एंजॉय ज़्यादा करेंगे, आमदन ज़्यादा होगी, इसलिए 2020 सबके लिए खुशहाली पूर्ण होगा। नेता कलाकारों के लिए एवं ए जे क्यू और आई इनिशियल के अभिनेताओं के लिए 2020 अति उत्तम रहेगा। आपकी पिक्चर्स हिट हो जाएंगी और आप उसका आनंद लेंगी। बिल्कुल आचार्य जी, अब बताइए कि मूलांक 2 वालों के लिए इस साल में क्या खास रहने वाला है और इन्हें क्या खास उपाय करने चाहिए। मूलांक 2 वालों के लिए 2020 अति उत्तम रहेगा। मूलांक 2 वालों को अपने क्रोध और वाणी का विशेष नियंत्रण रखना है, क्योंकि इनका अगर 2020 में ही अपनी क्रोध और वाणी का नियंत्रण नहीं करेंगे तो इनका नुकसान होगा। इनका जो भी नुकसान होगा इनके वाणी दोष के कारण होगा, तो इनको अपनी क्रोध और वाणी का विशेष नियंत्रण रखना है। मूलांक 2 के बिजनेस क्लास के लिए भी 2020 अति उत्तम रहेगा। मूलांक 2 वालों को रेगुलर 45 फ्राइडेज को अंध आश्रम में सफेद रंग के पदार्थ दान करने हैं, ताकि उनका जो 2020 में अगर कोई बाधा आती है तो उससे उनको छुटकारा मिलेगा। उसका सबसे बढ़िया उपाय है अंध आश्रम में जाके सफेद रंग की वस्तुओं का दान करें। सफेद रंग की वस्तुओं में दूध भी आता है, चीनी आती है, आटा आता है, चावल आता है, और भी सफ़ेद रंग में जो आपको नज़र आता है वो आप खाद्य पदार्थ जो है अंध आश्रम में यथा सामर्थ्य यथा शक्ति जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से आप दान करें। जितनी पॉकेट अलाउ करती है उसके हिसाब से दान करें, आपको जो है आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। मूलांक 2 के नेताओं के लिए एस और एम इनिशियल का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। आपको एच के पी जी जे इनिशियल के लोगों से संचेत रहना है, इन लोगों के कारण आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। तो 2 नंबर वालों को इन लोगों से विशेष संचेत रहना है, इनके साथ सारी बातें दिल की शेयर ना करें, क्योंकि इनसे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आचार्य जी, अब जरा ये बताइए कि मूलांक 3 वालों के लिए साल 2020 कैसा रहने वाला है, क्या कोई सौगातें लेकर आने वाला है। मूलांक 3 वालों के लिए भी वर्ष 2020 अति उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा, व्यवसाय में उन्नति एवं मान सम्मान में वृद्धि होगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 2020 जो है मुंथा एकादश होने के कारण व्यवसायी
2020 में खुश रहेंगे, उनकी सारी ग्रीवियंसेस किसी भी तरीके की दूर कर दी जाएंगी और 2020 अति उत्तम रहेगा। आपको वी एन और एच इनिशियल के गुप्त शत्रुओं से संचेत रहना। व्यवसायियों को वी एन एच इनिशियल के जिनका मूलांक 3 है उनके साथ साझेदारी या उनके साथ फाइनेंशियल डीलिंग में नुकसान हो सकता है, तो इसलिए आप वी एन और एच इनिशियल के लोगों से संचेत रहें। वाणी एवं क्रोध का विशेष नियंत्रण रखें। आपको वाणी का नियंत्रण रखना है, क्रोध का नियंत्रण रखना है। जो भी नुकसान होगा वाणी और क्रोध जब अनियंत्रित होगा तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इनको नंबर 3 वालों को व्यापार जो है सौंदर्य संबंधी वस्तुओं से रिलेटेड व्यापार से बहुत फायदा होगा। सर्विस क्लास वालों के लिए मूलांक 3 विशेष पदोन्नति कारक है। अगर आपका मूलांक 3 है तो आपके पद में बढ़ोतरी होगी, आपको प्रमोशन मिलेगी और आप पूरा साल पॉजिटिव रहिए, किसी भी समय आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है। मूलांक 3 वालों को पूरे साल उनके मार्ग में किसी तरीके की बाधा ना आए, उनको ब्राह्मण को एवरी थर्सडे मिष्ठान और दूध दान करना है। वो आप सुबह भी दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं। इससे करने से आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। 3 नंबर का मालिक बृहस्पति है। बृहस्पति से शुभ फल प्राप्ति हेतु आपको ब्राह्मणों का सम्मान करना, उनको दान दक्षिणा देने से बहुत फल अच्छा फल प्राप्त होगा। 3 नंबर वालों को एस ए और एम इनिशियल के सीनियर से एहतियात रखनी है। उनके साथ आपको अपने वीक पॉइंट शेयर नहीं करने। नेता अभिनेता 3 नंबर मूलांक वाले नेता और अभिनेताओं के लिए 2020 अति उत्तम रहेगा। आपको के पी जी जे इनिशियल के नेताओं से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक 4 की और जानते हैं इसके लिए साल 2020 के पिटारे में आखिर क्या खास है। मूलांक 4 के लोगों के लिए वर्ष 2020 सर्वोत्तम रहेगा। देखिए 2020 का टोटल 4 बनता है, तो जो भी 4 मूलांक वाले हैं उनके लिए 2020 सर्वोत्तम रहेगा। आपको के पी आर और ए इनिशियल के लोगों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। आप किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, इन लोगों के सहयोग से आपकी उन्नति होगी। आप बिजनेसमैन हैं तो इस नाम के पार्टनर आपको सहयोग देंगे। आप अगर सर्विस सेक्टर में हैं तो इस इनिशियल के आपके जो बॉसेस हैं आपको फ़ायदा देंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस इनिशियल की कंपनीज में सर्विस मिल सकती है या इस इनिशियल के सीनियर से आपको लाभ मिलेगा। एन इनिशियल से 4 वालों को अपने डिप्लोमेटिक संबंध खराब नहीं करने हैं, बनाए रखने हैं। आपको शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी। जो लोग 3 नंबर वाले हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कदम उठाएंगे उसमें उनको उन्नति ही है। स्टूडेंट्स के लिए 2020 अति उत्तम रहेगा। मूलांक 4 के बिजनेस क्लास, सर्विस क्लास, नेता, अभिनेता एवं स्टूडेंट्स के लिए 2020 अति उत्तम रहेगा। आपको रेगुलर 55 सैटरडे शनिवार सायंकाल में गरीबों को शनि मंदिर के बाहर नमकीन भोजन का दान करना है। नमकीन भोजन में आप कुछ भी ले सकते हैं, खिचड़ी भी दे सकते हैं। अगर उड़द की खिचड़ी देते हैं तो वो ज़्यादा सौभाग्यकारक है। अदरवाइज नमकीन भोजन कोई भी आप वितरित कर सकते हैं। मीठा नहीं देना है, नमकीन भोजन ही देना है। और नंबर 4 वालों को किसी को भी पैसा दान नहीं करना है। किसी को भी पैसा दान करेंगे अगर उससे वो शराब पी लेता है तो आपको फिर उसका शनि जो है
दुष्फल देगा, तो इसलिए इस चीज़ के लिए संकेत रहें, दान में आपको काइंड में करना है, कैश में नहीं करना है। बिल्कुल आचार्य जी, मूलांक पांच वालों के भविष्य पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। मूलांक पांच वालों के लिए वर्ष 2020 विवाह एवं नौकरी हेतु विशेष सौभाग्यकारक रहेगा। आपको KP RM इनिशियल के लोगों से विशेष सहयोग मिलेगा। आपको V और N इनिशियल के लोगों से विशेष संचेत रहना है। आपको विश्वास में लेकर धोखा देंगे। आपको NGJ इनिशियल के मित्र संबंधियों पर फाइनेंशियल मैटर्स में विश्वास साझेदारी से एहतियात रखनी है। बिजनेस क्लास जो पांच नंबर के हैं, जिनका नाम VN या H से शुरू होता है, उनको या तो यकाजक लाभ होगा या फिर अचानक हानि के योग हैं। इसलिए आपको हाई रिस्क हाई गेन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, बिटकॉइंस इत्यादि कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, इसलिए आप इस चीज़ से बच के रहें। सर्विस क्लास वालों के लिए 2020 अति उत्तम रहेगा। RM AS इनिशियल के नेताओं अभिनेताओं के लिए 2020 खुशियां लेकर आ रहा है। सफलता आपके कदम चूमेगी। धर्म स्थान में दिए गए दान से आपके भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। मूलांक 6 वालों के लिए साल 2020 कैसा रहने वाला है आचार्य जी, इस बारे में भी जरा बताइए। मूलांक 6 का स्वामी शुक्र है। वर्ष 2020 का स्वामी सूर्य नेगेटिव और मून नेगेटिव होने के कारण शुक्र का वर्ष 2020 में मकर राशिस्थ होने के कारण एवं मुकुट योग के कारण मूलांक 6 वालों के लिए वर्ष 2020 अति उत्तम, मान सम्मान में उत्तरोत्तर वृद्धि कारक एवं सिल्वर स्क्रीन पर बेस्ट परफॉर्मेंस का कारक होगा। मूलांक 6 वालों को MKS इनिशियल के गुप्त शत्रुओं से विशेष संचेत रहना है। MKP इनिशियल के कारण आपको फाइनेंशियल लॉस का योग है। बिजनेस क्लास को MKP इनिशियल की साझेदारी से परहेज रखना है। N इनिशियल से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। सर्दी में अगर आप यथा सामर्थ्य गरीबों में कंबलों का दान करते हैं तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। मूलांक 7 वालों के लिए साल 2020 कैसा रहने वाला है, अब जरा ये भी बता दीजिए। मूलांक 7 वालों को 2020 सौभाग्य कारक रहेगा। व्यापार में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, विवाहित स्त्री पुरुष अपने लाइफ पार्टनर का विशेष सम्मान करें, वाद विवाद से दूर रहें। मूलांक 7 वालों के लिए 2020 इच्छित फल प्राप्ति का कारक है। वाणी एवं क्रोध का विशेष नियंत्रण रखें। मूलांक 7 वालों को लिए 2020 विशेष एहतियात कारक है। आपसी संबंधों को बनाए रखें, पत्नी पत्नी आपस में आपसी संबंधों को बनाए रखें, एक दूसरे को प्रताड़ित ना करें, अन्यथा विवाह का 7वां साल विशेष कष्टकारक रहेगा। तो ये साल जो है विवाहित जोड़े जिनका मूलांक 7 है, आपस में लड़े झगड़े नहीं, प्यार से रहें। मूलांक 7 वालों को HKGJ इनिशियल के मित्र संबंधियों से विशेष संचेत रहना है। सर्विस क्लास को क्रोध का विशेष नियंत्रण रखना है। घर पर बुजुर्गों का सम्मान करें, इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बिल्कुल, और मूलांक 8 वालों की अगर बात करें तो इनके लिए साल 2020 कैसा रहेगा, क्या लेकर आएगा, ये भी बताइए। मूलांक 8 का स्वामी शनि है। आपको डिप्रेशन से बचना है। ये ईयर जो है 8 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा संकट का है। आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, नेगेटिविटी से बचना है, नेगेटिव थॉट्स से बचना है, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद से दूर रहना है। जहाँ कहीं दंगे फसाद हो किनारे से निकलें, अन्यथा आपको नुकसान होगा। KP इनिशियल के मित्र संबंधियों से विशेष संचेत रहें। K और P इनिशियल के मित्र संबंधी आपकी सोच को नकारात्मक करेंगे, जिससे आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। K और P इनिशियल के साथ लिटिगेशन से भी आपको दूर रहना। मूलांक 8 एवं P या K इनिशियल के लोगों के लिए
वर्ष 2020 विशेष नेस्ट साबित होगा। सिर्फ 8 नंबर वालों के लिए 2020 में काफ़ी एहतियात का, और इन लोगों को भी शनि का वही उपाय करना है जो मूलांक 6 वालों को करना है। मूलांक 8 वालों को शनिवार के दिन सायंकाल में खिचड़ी का दान करना है। गरीबों में वस्त्र गरम कंबलों का दान आपके लिए सौभाग्य कारक रहेगा। बिल्कुल, और आखिर में आचार्य जान लेते हैं साल 2020 के पिटारे में मूलांक 9 वालों के लिए क्या खास है। मूलांक 9 का स्वामी मंगल है। मूलांक 9 वालों को फास्ट ड्राइविंग से बचना है। दुर्घटना का योग है तो फास्ट ड्राइविंग ना करें। भीड़ भड़ाके जलसों से दूर रहें। मूलांक 9 वालों को दशरथी का मूंगा हर हालत में धारण करना चाहिए, इससे दुर्घटना से बचाव होगा। मूलांक 9 वालों को AR, K और P इनिशियल के लोगों से विशेष संचेत रहना है। A और K की गुप्त शत्रुता से बचें। देर सवेर की उठ बैठ खान पीन से आपको नुकसान होगा। सायंकाल में बाहर ना जाएं। इन इनिशियल के साथ बाहर जाएंगे तो आपको गुप्त शत्रुता के कारण वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। 9 मूलांक की महिलाओं को घर पर पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, वाद विवाद से दूर रहें, एवं 9 मूलांक के विपरीत लिंग से भी दूर रहें, वो आपको धोखा देंगे। मूलांक 9 वालों को बिजनेसमैन को लिटिगेशन से दूर रहना है। 9 मूलांक के राजनेताओं को किसी भी धर्म के विरुद्ध वक्तव्यों से बचना है, अत्यंत अन्यथा सुसाइडल साबित होगा। आप लोगों को पब्लिक के बीच में पब्लिकली प्रताड़ित किया जा सकता है, इसलिए 9 मूलांक के बंदों को जो है बिल्कुल संचेत रहना है। PKR इनिशियल के राजनेताओं को जेल का योग है, प्रतिष्ठा भंग योग है, एवं दुर्घटना का योग है। अतः 9 नंबर के इनिशियल के नेताओं अभिनेताओं को 2020 में विशेष संचेत रहना है। तो आज हमने जाना कि अंक शास्त्र के मुताबिक साल 2020 कैसा रहने वाला है और 1 से लेकर 9 मूलांक वालों पर इसका क्या असर रहने वाला है। ये सब हमारे दर्शकों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। नमस्कार। तो हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।